नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस पे। मैं हूँ अभिषेक चौहान। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखा। अगर आपने नहीं देखे तो हो सकेगा आपको फ्यूचर में अगर ये देखे या फिर आपको ये सुने तो आपको पछतावा हो, क्योंकि ये वीडियो है हेल्थ इंश्योरेंस रहता, अपना स्वास्थ्य बीमा रहता उसके ऊपर है। कई लोग जानते हैं और मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मतलब अगर आप बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए, हॉस्पिटल में भर्ते, तो वो खर्चा आपको जो है हेल्थ इंश्योरेंस या वो कंपनी देंगी। ये सिंपल तरीका है जो हर लोग जानते हैं, लेकिन हम इसको एक अलग ही तरीके से एग्जांपल से समझेंगे, रियलिस्टिक जो लोगों के लाइफ में होते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी कई लोग पछताते हैं क्योंकि उनने गलत हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते या फिर उनके बेनिफिट्स या जो पॉइंट्स रहते वो देख नहीं पाते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखो। और वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है और आजकल हम इधर उधर जॉब करते, भविष्य का कुछ कह नहीं सकते, बीमार दुखी तो होना ही, और घर में हमारे हम वाइफ फैमिली बच्चे वगैरह सब रहते हैं और हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि कोई भी फ्यूचर में एडमिट हो या हॉस्पिटलाइज हो। तो हम यहाँ एग्जांपल देखते हैं, दो दोस्त रहते हैं, राम और श्याम। दोनों ही बहुत अच्छी जॉब करते हैं, करीबन 20,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही समझदार है और उनको पता है कि हमारे बीवी बच्चे हैं, फ्यूचर के भी खर्चे हैं, तो लगातार वो सेव भी करते हैं और निवेश भी करते हैं। तो करीबन यहाँ पर दोनों ही इन्वेस्टमेंट 5,000 पर मंथ करते हैं, सेविंग 4,000 करते हैं और घर के खर्चे रहते हैं वो करीबन 10-11,000 के आसपास करते हैं। और जाहिर सी बात है, वो घर के कमाने वाले सदस्य है, तो घर का बिल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक, एक वाइफ का खर्चा, मोबाइल वगैरह, फिर किराना, पेट्रोल, सब्जी भाजी, और उसके बाद जनरल जो बीमार दुखी होते हैं उसकी दवाइयाँ, स्कूल की फीस, बच्चों की, बच्चों का खर्चा, खुद का खर्चा, और जितना भी अगर आप बाहर खाते, तो ये सारा खर्चे मिला के 10-11,000 रुपये पर मंथ के होते हैं। और फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए जो होनी है, शादी, घर और उनकी हायर एजुकेशन के लिए 5,000 पर मंथ, और इमरजेंसी फंड के लिए 4,000 के आसपास वो दोनों सेव करते हैं। तो लगभग दोनों ही लगभग फ्यूचर के लिए अच्छा सेव करते हैं। पर यहाँ पर जो शाम है, उसने कहीं पढ़ा था, टीवी पे देखा था, आजकल बहुत चलता हेल्थ इंश्योरेंस का, कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। राम को बताया, राम ने कहा कि क्या ज़रूरत है, अभी तो जवान है हम, 27-28 उम्र है, वाइफ भी जवान है, बच्चे भी जवान है, तो बीमार होने का चांस है ही नहीं। राम ने इग्नोर कर दिया। श्याम थोड़ा सा समझदार था, वो अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को सिक्योर रखना चाहता था कि भविष्य का खर्चा आज उसको ना हो जाए, तो वो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लेता है उसकी पत्नी, बच्चे और खुद के लिए। करीबन 3 लाख की आती है, 8,500 के आसपास एवरेज, और यहाँ दोनों के पास ही 3 मेंबर की फैमिली है। 2 साल बाद देखे तो 2 साल बाद लगभग इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों के मिला के राम और श्याम के लगभग 2-2 लाख थे, 5,000 के हिसाब से 24 महीने के 1,20,000 और 3,000 के हिसाब से 72,000, तो करीबन 1.92 लाख के अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास दोनों के ही सेविंग थे। इनका अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खा रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, सब अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहे थे। अचानक फ्यूचर में 1-2 साल बाद दोनों की लाइफ में एक कोइंसिडेंट आया और उनकी लाइफ में एक मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जाहिर सी बात है आगे फ्यूचर का कह नहीं सकते। राम के केस में क्या हुआ, राम एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, कहीं जा रहा था वो, तो उसका एक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और जाहिर सी बात है, राम समझदार थे, दोनों ही समझदार थे, तो हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहे थे, पर फिर भी उसका एक कार ने एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि कार चलाने वाला बिल्कुल ही रफ गाड़ी चला रहा था। हम खुद संभल के चल सकते हैं, लेकिन मुसीबत खुद हमारे पास भी आ सकती है, जिसके कारण राम का एक पैर का जो हड्डी है वो टूट गई, क्रैक आ गए, जिसके कारण उसका ऑपरेशन हुआ 4-5 दिन। और डॉक्टर ने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका पेड़ जुड़ जाएगा, एक रॉड लगेगी और 3-4 दिन आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सीडेंट का खर्चा पूरा हॉस्पिटल मिला के और 3-4 दिन वो रहा, वहाँ का खर्चा करीबन 1.5 लाख रुपये के आसपास उसको लगा, क्योंकि जाहिर सी बात है राम समझदार था, वो सरकारी अस्पताल में नहीं जुड़वाना चाहता था, वो किसी अच्छे अस्पताल में जुड़वाना चाहता था। तो वो गया अच्छे अस्पताल और वहाँ 1.5 लाख उसका खर्चा आया। अब 1.5 लाख वो कहाँ से लाता, दो चीज़ थी, या तो वो लोगों से उधार मांगता, या फिर उसने जो फ्यूचर में सेविंग करी थी, इन्वेस्ट करे थे टोटल, जिसमें से 2 लाख जो करे थे वो उसमें से लेता। तो उसने ने क्या करा, अपना 1.5 लाख फ्यूचर की सेविंग थी, जिसमें उसके बच्चों की शादी, बच्चों के आगे फ्यूचर में अगर वो हायर एजुकेशन करते, घर खरीदना, कार खरीदना, उसके लिए उसने जो पैसे बचा के रखे थे, उसमें से 1.5 से 1,60,000 के आसपास उसका एक्सीडेंट में चला गया। तो उसका टोटल जो सेविंग थी, इन्वेस्टमेंट था, फ्यूचर सेविंग थी, उसमें से एक्सीडेंट हटाने के बाद केवल उसके पास 40,000 ही सेविंग बची है।
और उस 40,000 में से भी डॉक्टर ने कहा था 3 महीने आपको बेड रेस्ट करना है घर पे, तो 3 महीने वो जॉब नहीं गया जिसके कारण उसको सैलरी नहीं मिली। जरूरी नहीं है कि जॉब नहीं जाते तभी आपको मिलती, कई बार कोरोना वायरस केस में भी लोग आपको कंपनी आपको घर बिठा सकती है जिसके कारण 2-3 महीने आपको सैलरी ना मिले, बट ये मेडिकल केस था तो डेफिनेटली उसको 2-3 महीने आराम करना था। तो उसके बाद जो 40,000 उसके पास बचे, 40 से 50,000, 3 महीने के एक्सपेंडिचर, उसकी दवाइयाँ, घर का बिल, उसके बाद बिजली का बिल, उसकी वाइफ का खर्चा, उसके बच्चों का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, किराना, सब्जी भाजी और दूसरे जो स्कूल की फीस वगैरह जो चलते वो खर्चे भी 40,000 में से ही निकाले उसने। तो देखा जाए तो यहाँ पर उसकी सेविंग भी जीरो हो गई। शाम के केस में एक अलग कंडीशन है, शाम के केस में वो तो नहीं उसका एक्सीडेंट हुआ बट उसकी फैमिली, उसकी वाइफ को एक जो वुमेन प्रॉब्लम होती वो हो गई, शायद यूट्रस में संबंधित, बच्चेदानी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण उसका एक बड़ा ऑपरेशन हुआ और उसमें करीबन 2 लाख का खर्चा आया। यहाँ पर शाम के पास भी टोटल सेविंग 2 लाख थी, बट बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर शाम का जो फ्यूचर का वैल्यू का पैसा है, उसके बच्चों की शादी, घर का खर्चा, कार वगैरह, ये सब उसकी सेविंग में से नहीं गया। उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था 5 लाख का, 3 लाख का लिया था बट 2-3 साल तक अगर हम उसका यूज़ नहीं करते तो हमको नो क्लेम बोनस के अकॉर्डिंग 3-4 लाख एक्स्ट्रा हमको बढ़ते जाते, प्रीमियम वही रहती है बट हमें पैसा ज़्यादा, इंश्योरेंस वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर उसका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा खर्चा दिया 2 लाख का, मेडिकल का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा और 3 महीने तक घर पे आने, वाइफ आने तक के 3 महीने तक का उसका मेडिकल का खर्चा भी उस कंपनी ने दिया। तो यहाँ पर शाम के पास उसकी फ्यूचर की वैल्यू 2 लाख एज इट इज़ थी, वहीं पर 5 लाख में से 2 लाख ही खर्चा हुआ उसका हेल्थ में, बचा हुआ 3 लाख क्योंकि वो है उसके बच्चे, अगर और उस साल अगर वो कुछ बीमार दुखी होते तो कंपनी और 3 लाख दे सकती थी। तो ये होता हेल्थ इंश्योरेंस, भविष्य में होने वाले बड़े बड़े खर्चे आज ही पूरे ख़त्म हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, हर महीने 2-2, 5-5 हज़ार बचा के FD करते हैं, 10 साल 15 साल हो जाते और उसके बाद, और वो जो खर्चा जो अपने बच्चों पे करने वाला था, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, वो खुद ही बीमार हो गया और वो पूरा सारा पैसा खुद पे लग गया। तो वहाँ पर उसे लोन लेना पड़ा और जो कमाता गया वो पूरा लोन भरते गया और उसकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। ये एक रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, आप समझते हैं हर लोगों के साथ ये कंडीशन हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस सिंगल पर्सन भी ले सकता है, फैमिली भी ले सकती है, 16 दिन से लेकर 65 साल के लोग सभी ले सकते हैं। अगर आपको कोई पुरानी डिसीज़ हो, आपको हार्ट की डिसीज़ हो या किडनी की डिसीज़ हो तो भी मिल सकता है, अगर आप शराब सिगरेट पीते तो भी मिल सकता है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो सभी को मिल सकता है। और मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आती है, आप देख रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, जो हेल्थ इंश्योरेंस बनती है सभी की बेनिफिट अलग अलग है, सभी अलग अलग चीज़ें प्रदान करती है और मार्केट में हर जगह से आजकल मिलते हैं, पॉलिसी बाजार से मिल रहा है, हो सकता है किसी एजेंसी से मिल रहा हो, सकता है आपका दोस्त सलाह दे रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ केवल हेल्थ इंश्योरेंस ना लें। हेल्थ इंश्योरेंस में 3 चीज़ होना ज़रूरी है, सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो उसका कंपनी का कितना है, दूसरा पॉलिसी कितना बेनिफिट दे रही है, तीसरा प्रीमियम। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, जब लोग बीमार दुखी होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो जब वो क्लेम करते पैसे के लिए तो कितने परसेंट लोगों को पैसा मिलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो बहुत कम है और ये IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो एजेंसी रहती है, अथॉरिटी जो रेगुलेट रहता गवर्नमेंट, वो निकालती है कि हर एक कंपनियों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है, तो जिसका सबसे अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो हमें लेना है। दूसरा, हर कंपनियों के अलग अलग बेनिफिट रहते हैं, जैसे कुछ कंपनियां नो क्लेम बोनस केवल 50% देती है, कुछ लोग 100% देती है, कुछ लोग एक्स्ट्रा रिचार्ज बेनिफिट देते हैं, कुछ लोग प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 2 महीने से लेकर 3 महीने तक रहता है, कुछ कंपनी ऐसे रहती है जो इतनी इतनी बीमारियों में इतना पैसा देंगे, कुछ जो होते हैं आपको कोई सी बीमारियों में इतना पैसा देंगे, वो सारी चीज़ें भी मायने रखती है। और तीसरा प्रीमियम, कम प्रीमियम में, अच्छी प्रीमियम में ज़्यादा बेनिफिट और हायर क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो, यही हमको लेना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप ले रहे हैं आपके खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके फादर मदर के लिए, किसी के लिए भी, तो जल्दबाजी ना करें, पहले सभी कंपनियों के समझे, उसी के बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस सोच कर समझ कर ले। क्योंकि अगर आपने किसी के कहने से ले लिया और अगर आप बीमार हो गया, कुछ फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम आ गई और आप क्लेम करने गए और वो कंपनी ने कहा नहीं, इस बीमारी के लिए हम ये पैसा नहीं देंगे और हम ये सब चीज़ें नहीं देंगे, तो वो पैसा आपका दोस्त या एजेंसी वाला या पॉलिसी बाजार वाला नहीं देगा, वो आपको जेब से ही देना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा हो, कस्टमर सबसे ज़्यादा हो, बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो, प्रीमियम सबसे कम हो, तो आप ले सकते हैं। आप इंडिया में किसी भी कोने पे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
15% कैशबैक या फिर इंस्टेंट डिस्काउंट में देता हूँ अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 15% डिस्काउंट कैशबैक आपके प्रीमियम पे मिलेगा। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं abhishekchauhan14@gmail.com, या फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9039797789, या फिर इंस्टाग्राम कर सकते हैं @live.abhishek, आप सर्च कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेने से पहले एक बार समझ ले, फिर आपको चूज़ करना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। और ये डिस्काउंट 15% सभी के लिए। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।